तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि मार्केट में एकदम बिल्कुल नया है। आज तक किसी के माइंड में इस तरह का बिजनेस आइडिया आया ही नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोग बेरोजगार हो, अगर आपके पास 10-20 हज़ार रुपये है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो, तब अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ करके पैसे कमाऊँ, थोड़ा सा मेहनत करके पैसे कमाऊँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा भी इसकी मत करिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। वैसे तो मैं रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप लोग पैसा कमाना चाहते हो तो आप वीडियो देखिए, वरना आप यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स, आप कुछ और भी बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस बिल्कुल हट करके बिल्कुल अलग है। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो आप अपने घर से ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको करना क्या है कि प्रोडक्ट आपको अपने एरिया से ही खरीदना है, और आप अपने एरिया से खरीदने के बाद इसे छोटे छोटे पैकेटों में पैक करना है। छोटे छोटे पैकेटों में पैक करने के बाद आपको अपने ही मार्केट में इसे सेल करना है। देखिए दोस्तों, ये बिजनेस ऐसा है कि इसका डिमांड हाई डिमांड है। अब आप देखेंगे तो अगर आप विलेज एरिया में, मतलब देहात एरिया में रहते हो, तो थोड़ा सा देहात में कम इसका डिमांड है। लेकिन यही प्रोडक्ट थोड़ा शहरी इलाका में अगर आप इसे ले जाकर के सप्लाई करते हो, तो शहर में इतना ज़्यादा डिमांड इसका है कि आपका प्रोडक्ट ही शॉर्ट हो जाएगा। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, आपको कैसे प्रोडक्ट कहाँ से खरीदना होगा। देखिए, ये प्रोडक्ट आपको किसानों से खरीदना होगा। ये जो सीजन है ना, कुछ समय बाद धान की कटाई होगी। जब धान की कटाई होगी तो आपको करना क्या है कि बड़े बड़े जो किसान है ना, तो किसानों से आपको कांटेक्ट कर लेना है। किसानों से जब संपर्क कर लेंगे तो किसानों से खेत में ही उनके धान को खरीद लेना है। जब कटता है ना, तो वहीं पर आपको उनके धान को खरीद लेना है। खरीदने के बाद आपको घर पर लाना है, 6 महीना उसे रखना है। जब आपका धान पुराना हो जाता है ना, अब आप लोग ये मत सोचिए कि 6 महीने बाद हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा। नहीं, आप पहले इस बिजनेस को शुरू तो करिए। जब आप 6 महीना प्रोडक्ट रखेंगे ना, धान रखेंगे ना, जब ओल्ड हो जाएगा तो उसे चावल बना लेंगे। चावल बना करके आपको करना क्या है कि 2-2 केजी के पैकेटों में इसे फ्रेश चावल पैक करना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत बेस्ट बिजनेस आइडिया है। शहर में बहुत तेज़ी से चलेगा, क्योंकि गांव में इसलिए नहीं चलेगा कि गांव में लोग जो है कि चावल का वैल्यू ही नहीं समझते हैं। अब आपको करना क्या है कि 2-2 केजी का पैकेट बनाना है और एक छोटी सी मशीन ले लेना है। छोटी सी मशीन से उसे पैक कर देना, पूरा एकदम फ्रेश चावल रहना चाहिए, उसमें एक भी कंकड़ पत्थर नहीं रहना चाहिए, एकदम फ्रेश क्वालिटी का चावल रहना चाहिए। अगर आप लोग किसानों से 15 रुपये या 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अगर यहाँ पर धान खरीदते हो, वही धान बनाने के बाद आप उसे 40 से 45 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आप जो है कि शहर इलाके में उसे बेच सकते हो। दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि 2-2 केजी का बंडल बनाना है। 2-2 केजी का बंडल बनाने के बाद आपको जो है कि शहर में ले जाना है। आपके एरिया से 10, 20, 30, 40 किलोमीटर के रेंज में देखेंगे तो जरूर कोई ना कोई एक थोड़ा बड़ा सा सिटी होगा। उस शहर में ले जाकर के आपको जितने भी किराने की दुकान है या फिर जनरल स्टोर है, उन सभी जनरल स्टोरों से संपर्क करके आपको उन्हें प्रोडक्ट देना है, यानी आपको उस पैकेट को देना है। जब उस पैकेट को देंगे ना, तो फ्रेंड्स, शहर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा डेली 2 केजी, 1 केजी, 1/2 केजी, 5 केजी इस तरह से चावल खरीदते हैं, और ये लोग डेली बनाते हैं और डेली खरीदते हैं। तो उनके लिए आसानी ये होगा कि डायरेक्ट प्रोडक्ट दुकान से निकालिए और दे दीजिए। एक तो उसमें एकदम बिल्कुल फ्रेश रहेगा। यहाँ पर होता क्या है कि अगर कोई मार्केट से चावल खरीद करके लाता है तो उससे धुला जाता है, उसे जो है कि थोड़ा सा उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, उसे निकाला जाता है। ये सब का टेंशन नहीं रहेगा, डायरेक्ट लाइए और उसे तुरंत बनाइए और उसे यूज कर लीजिए। अगर आप इस तरह का प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो ना, तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा तो आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इस तरह से दिमाग लगा करके सोच करके बिजनेस करते हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको बिजनेस आइडिया बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो थोड़ा सा इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करिए। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि आप 1-2 ट्रक माल खरीद लीजिए, यानी धान खरीद लीजिए जिससे खराब हो जाएगा, नहीं। थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर के पैक करके मार्केट में सेल करके तो देखिए, उसके बाद आपको यहां पर पता चल जाएगा कि इसमें कितना इन्वेस्ट हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।